फेस्टिव सीजन आते ही बाजारों में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। और बात अगर दीपावली की हो तो फिर क्या ही कहने हैं। दीपावली वो त्योहार है जिसमें लोग खूब जमकर खरीदारी करते हैं और यही बाजार की रौनक देखने के लिए, लोगों के चेहरों पर उत्साह देखने के लिए आज हम मोती झील के दिवाली बाजार में आ पहुंचे हैं। लोग जो यहाँ पर खूब खरीदारी कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बाजार में ऐसा क्या खास है जो वो यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं। और यहाँ पर जो लोग खरीदारी करने आए हैं, आए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आंचल। दिवाली की शॉपिंग यहाँ पर जो दिवाली बाजार लगा है, इसमें क्या खास दिख रहा है आपको? सब यूनिक चीज़ें स्पेशल है, जो मतलब मार्केट में इधर उधर जाके देखना पड़ता है वो यहाँ एक जगह ही मिल जा रहा है सब कुछ। डेकोरेशन का भी सामान मिल रहा है, मसाले के काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल्स हैं जिनको हमने काफ़ी चीज़ें परचेज करी हैं, और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वगैरह के बारे में अभी तक सोचते ही थे, यहाँ जाकर के उनके बारे में पता किया। दीपावली के लिए आपने ये दुकान लगाई है, इसमें मतलब क्या कुछ महंगा है? जो लोग यहाँ पे खरीदारी करने आ रहे हैं उनको महंगा तो नहीं लग रहा आपका सामान? ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ज़्यादा ना सस्ता है। तो मतलब ना महंगा है ना सस्ता है, काम चल रहा है। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल कुमार शुक्ला। आप यहाँ पर गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों की? बता दूँ कि मैं एक सर्विस पर्सनल हूँ, सेना में 32 साल मैंने सेवा किया है और सेना में हमने पाकिस्तान के साथ भी युद्ध किया है और दूसरी जगह भी गए हैं बाहर भी। तो जब पता लगा हमें कि यहाँ पे दिवाली मेला लगा है तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे खास होगा, लिया जाए। तो उसी उपलक्ष्य में मैंने पूरी बाज़ार का अवलोकन किया, घूमा। सबसे सुंदर मेरे को यहाँ की जो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ हैं, वो ये मूर्ति आप देख रहे हैं बहुत सुंदर मूर्ति है जो इन्होंने बनाई हुई है, बेचने के लिए रखी हैं। तो उनमें से एक मैं मूर्ति लेना चाही तो हमने एक मूर्ति खरीदी इनसे, और भी कुछ सामान अभी यहाँ से परचेस करेंगे। खास बात इस मार्केट की ये भी है कि यहाँ पर हर दुकानदार ने अपनी दुकान का नाम रखा है। आप मेरे लेफ्ट तरफ देखेंगे तो बैंगलोर ब्रांडेड इस दुकान का नाम रखा है, तो वहीं आप मेरे राइट साइड पर देखेंगे तो अमेरिकन सॉफ्टी। ये दीपावली बाज़ार की खास बात है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें लोगों को अपनी ओर खींचती हैं कि भाई अमेरिकन सॉफ्टी क्या होती है, इसको भी खा के देखते हैं। तो चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंदन नाम है। पहले तो ये बताइए कि आपने अपनी शॉप का नाम अमेरिकन सॉफ्टी क्यों रखा है? अमेरिकन सॉफ्टी मशीन है तो अमेरिकन आइसक्रीम है जब इसका नाम है। अमेरिकन सॉफ्टी में क्या खास बात है? अब खास बात क्या है, 40 आइटम के साथ हम देते हैं इसको बना के। एक कानपुर में ये दीपावली में टाइम ही ये आती है आइसक्रीम। दीपावली बाजार में हमें घूमते घूमते यहाँ पर कानपुर मेयर प्रमला पांडित जी मिली। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, वो यहाँ पर क्या खरीदारी करने आए हैं? हम यहाँ रोज देखने आती हूँ कि दिवाली मेला में कोई किसी को कष्ट तो नहीं है, हमारे दुकानदार बच्चों को तो कोई कष्ट नहीं है, हमारे कस्टमरों को कोई, यही देखने आती हूँ। मेरा शौक है मेला वाला देखना, इसलिए मैं। क्या नाम है आपका? प्रज्वी। दीपावली की शॉपिंग करने आई है? यस। क्या खरीदा अभी तक? मैंने खरीदा बबल वाला और बलून खरीदे और कीचेन खरीदा। बच्चों का उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आगे क्या खरीदेंगी? अभी क्या चाहती हैं? जो मेरी पटाखे नहीं लिए? नहीं, जो मेरी ज़रूरत का होगा। पटाखों से डर लगता है? नहीं। तो फिर क्यों नहीं लिए? वो पॉल्यूशन करते हैं। तो ये देखिए, छोटे से बच्चों को भी पता है कि पटाखे पॉल्यूशन करते हैं, तो इस बार पटाखे नहीं चलाएंगे? नहीं, मैं किसी भी बार नहीं चलाती एक्चुअली। तो ये इनका संदेश है कि पटाखे चलाने से पॉल्यूशन होता है और हम पटाखे नहीं चलाएंगे। क्या नाम है आपका? ऋचा पटेल, डॉक्टर ऋचा पटेल। कहाँ से आई हैं? मैं दामोदर नगर। दिवाली बाजार यहाँ पर लगा है, तमाम तरह की दुकानें लगी हैं, क्या कुछ मतलब यहाँ से दूसरे बाजारों से क्या नया चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिली? काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं यहाँ पे जो बाज़ार में हमको नहीं मिल पाती हैं, जैसे ये आर्टिसंस हमारे बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, और पॉटरी का सारा सामान है, क्ले का बहुत अच्छा वर्क है यहाँ पे, और ये सब बाज़ार में नहीं मिल पाता है हम लोगों को। ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग करते हैं और बाज़ार में एक ही जगह पे, एक ही रूफ के नीचे सारा चीज़ें नहीं मिल पाता है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ही बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत सस्ती होती है, बहुत अच्छा मिलता है, तो उसके मुकाबले ये दिवाली बाज़ार आपको कैसा लगा? नहीं, ये ज़्यादा चीप है, ये बहुत अप्रॉक्स 60% का डिफरेंस है रेट्स में, 60% का डिफरेंस। इससे पहले कभी यहाँ पर आई हैं दिवाली बाज़ार में कि ये फर्स्ट टाइम? ये फर्स्ट टाइम है हमारा।
आगे भी आएंगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्योर, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये दुकान आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों का भी सामान है और साथ ही यहाँ पर महिलाओं का भी सामान है जो आप खरीदारी कर से देख सकते हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं दिवाली बाजार के बारे में। क्या नाम है अंकल आपका? जितेंद्र सिंह। आप यहाँ पर पहले भी शॉपिंग करने आए हैं? नहीं, आज पहली बार आए हैं। अच्छा, आप अभी यहाँ पर आए हैं, आपने जो भी दुकानें देखी है उनके मुताबिक आपको ऐसा लगता है कि ये दिवाली बाजार आगे भी लगना चाहिए? हाँ बिल्कुल लगना चाहिए, बढ़िया है। आंटी क्या नाम है आपका? वंदना। आप यहाँ पर शॉपिंग कर रही हैं तो आप हमें ये बताइए, जैसे बाहर बाजारों में हम शॉपिंग करने जाते हैं और यहाँ पर, तो क्या कुछ अलग दिखा आप? नहीं, वैरायटी बहुत ज़्यादा है इनके पास, ये बाहर नहीं है और अच्छा भी बाहर से बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लोग बोलते हैं बहुत सस्ता मिलता है, तो वहाँ से सस्ता है ये? ऑनलाइन से भी सस्ता है? सस्ता है और अच्छा है, और एक चीज़ टच करके देखना, सामने से देखना, वो अलग चीज़ होती है। सही है, अच्छा है इनका। क्या चाहेंगी, आगे भी दिवाली बाजार लगना चाहिए? हाँ, हर साल लगना चाहिए कम से कम। तो ये लोगों की मांग है कि दिवाली बाजार आगे भी, यानी हर साल दिवाली बाजार लगना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा बाजार है जहाँ पर हर तरह की दुकानें, फिर चाहे वो खाने पीने की हो, साज सजावट की हो, हर तरह की दुकानें इस एक ही जगह पर हमें तमाम तरह की दुकानें मिलती हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ मैं तन्वी सक्सेना, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर।